ये देखिए गाइस, बाइक धुलाने के बाद इतना चमक गया, आप लोग देख। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेनो बिफोर राइडर, एंड होप यू गाइस आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और गाइस, आज का वीडियो कोई मोटो ब्लॉगिंग होने वाला नहीं। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग बाइक डुलाते पर कौन सा गलतियाँ करते हैं और सही तरीका से कैसे बाइक डुलाना चाहिए, इसका रिगार्डिंग आज हम वीडियो बनाने वाला है। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है गाइस, आप लोग वीडियो कॉन्टैक्ट बनिए रहिए। एंड आई लाइक टू थैंक्स माई यूट्यूब फैमिली बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ लव सपोर्ट फ्रॉम यू, एंड आई होप आप लोग मुझे ऐसे ही हमेशा प्यार सपोर्ट देते रहेगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, हम दो दिन पहले मेरा बाइक को धुलाई किया था, लेकिन आज फिर से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए फिर से हम धुलाई करेगा। और आप लोग भी चाहते हो कि मेरा बाइक जैसा आपका बाइक भी हमेशा चमक रहे, तो जो टिप्स अभी हम बताने वाला है ये आप लोग ज़रूर फॉलो करना, आपका बाइक भी मेरा बाइक जैसे हमेशा चमक रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली गाइस, आप लोग ये बात हमेशा याद करना चाहिए कि आपका बाइक धुलाने से पहले आपका बाइक ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये गलतियां मत करो कि अभी बाइक को चले आए फिर साथ साथ में बाइक को धुला दे, तो ये गलती आप लोग एवॉइड करें। और बाइक धुलाने से पहले बाइक के इंजन ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखो। और सेम थिंग गाइस, बाइक धुलाने से पहले आपको ये बात भी हमेशा याद रखना चाहिए कि बाइक धुलाने से पहले आपका जो ये साइलेंटर पाइप होता है ना, इसको भी हमेशा बंद करना चाहिए, जो कि उसमें पानी घुस ना सके। अगर इसमें पानी घुस गया तो आप बाद में जाके बहुत बारी पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बाइक धुलाने से पहले गाइस, आपको इसको हमेशा बंद करना चाहिए। और एक बार गाइस, आपका जो पीछे का सीट है, ये सीट को भी आप अच्छा से चेक कर लेना चाहिए कि ये सीट आपका अच्छा से लॉक है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी अगर पानी घुस गया तो ये भी आपका बहुत बारी पड़ सकते हैं। क्योंकि भाई आजकल तो BS6 का ज़माना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे में इंजन वगैरह रहता है, बैटरी रहता है, और सो मेनी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर ऑल्सो अटैचिंग हियर। सो आपको ये बात भी अच्छा से ध्यान रखना चाहिए। और गाइस, ये गलतियाँ भी लोग बहुत करते हैं कि उसमें डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, पूरा शैम्पू वगैरह लगा देते हैं और रब करना स्टार्ट कर देता है, और ये बात हम लोग हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है यार, अगर ऐसा किया तो आपका बाइक पूरा स्क्रैच लगने का बहुत चांसेस है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, जितना भी उसमें मिट्टी वगैरह है इसको जीरो कर देना है, मतलब अच्छे से क्लीन करना चाहिए, इसका बाद शैम्पू डालना चाहिए। तो कैसे करना है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो गाइस, आपको सबसे पहले इसमें जितना भी मिट्टी वगैरह है अच्छे से क्लीन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मोटर। अगर आपके पास में मोटर नहीं है तो ये आपका ये मॉक का हेल्प से भी आप ऐसा क्लीन कर सकते हैं। सो गाइस, इसमें जितना भी मिट्टी वगैरह है वो तो पूरा साफ कर दिया है। इसका बाद क्या करना है आपको, जो कपड़ा से आप इसको रब करना चाहते हैं वो कपड़ा का भी सबसे पहले आपको धुलाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी मिट्टी वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी मिट्टी वगैरह होगा तो इसमें भी बहुत बारी पड़ सकती है, आपका स्क्रैच लग सकते हैं आपका बाइक में। और इसका बार आपको उसमें अच्छा से शैम्पू डालना चाहिए। ये देखिए गाइस, हम किस प्रकार से डाल रहे हैं, इससे हम लोग शैम्पू डालना चाहिए। इसका बाद क्या करना है आपको, इसको अच्छा से मिक्स करना है, और इस प्रकार से आप लोग भी मिक्स कीजिए। ये देखिए गाइस, आप लोग भी इस प्रकार से मिक्स कीजिए शैम्पू को। फिर अभी क्या करना है, ये शैम्पू को दो भाग डिवाइड करना है। तो गाइस, इसको दो भाग में डिवाइड कर लेना चाहिए। और इसको किस लिए दो भाग डिवाइड किया है ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो इसमें बाइक है ना, इसको भी हम दो पार्ट से डिवाइड करके धोलाना चाहिए। दो पार्ट कैसे डिवाइड करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें जो नीचे के पार्ट है ना, इसको अलग से धुलाना चाहिए, और जो अपर में है इसको अच्छा से धुलाना चाहिए, क्योंकि नीचे में ज़्यादा मिट्टी वगैरह 10 पार्टिकल होते हैं, तो ये धुला के फिर से ऊपर धुलाने से मतलब स्क्रैच लगने का बहुत चांसेस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इससे एक लेके फिर नीचे का साइड को धुलाना है। तो फिर चलिए कैसे धुलाना चाहिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग भी इसी प्रकार से धुलाना चाहिए। गाइस, इसको रब करते हुए भी इतना भी प्रेशर देना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस कपड़ा से आप रब कर रहे हो इस कपड़ा से भी बहुत मतलब ये स्क्रैच वगैरह लग सकते हैं। थोड़ा हल्का सा रब कीजिए इस प्रकार से।
सो गाइस टायर को अच्छा से ब्रश से करना चाहिए, नहीं तो क्लीन नहीं होता ये इजीली। सो गैस इसको अभी क्या करना है, जो सूखे हुए कपड़ा है ना आप लोग देख ही सकते हो, सूखा हुआ कपड़ा से आप लोग अच्छा से इसको रब करने ऊपर से। शैम्पू से धुलाने के बाद इसमें शैम्पू का डस्ट पार्टिकल रह जाता है, तो इसको क्या करना है अभी फिर सुखाने का कपड़ा लेके अच्छा से ऊपर से रब करना है इस प्रकार से। तो गाइस बाइक धुलाने के साथ साथ में आप लोग कभी भी बाइक स्टार्ट करना नहीं चाहिए, इसको अच्छा से ड्राई होने देना, इसके बाद ही आप लोग बाइक स्टार्ट करना है, तभी क्या होता है हम लोग का इंजन काफ़ी बढ़िया रहता है। ये देखिए गाइस बाइक धुलाने के बाद इतना चमक गया है, आप लोग देख ही पा रहे हो, देखिए इतना शाइनिंग होने लग गया अभी, देखो काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए कितना चमकने लग गया। देखो आप लोग इस तरह बाइक धुलाना हमेशा। सो गाइस आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा।